हेलो दोस्तों, साइन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक उत्तराखंड में जिला हरिद्वार है। इससे पहले हमने जिला देहरादून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की थी और आगे हम सभी 13 जिले को इसी तरह करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज की प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 28 दिसंबर 1988 को, और यह बिल्व और नील पर्वतों के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य गठन से पहले हरिद्वार किस मंडल में था? इसका राइट आंसर है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 3, किसे कपिला कहा जाता है? इसका आंसर है हरिद्वार। रामायण काल में यहां कपिल मुनि का आश्रम था, इसलिए इसका नाम कपिला पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में खांडव वन कहां स्थित था? इसका आंसर है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी यात्री वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? इसका आंसर है मोयुलो, जिसका अर्थ है मयूरपुर। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा को महाभद्रा किसने कहा था? इसका आंसर है वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 7, जहांगीर के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था? इसका आंसर है टॉम कारियट। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मुगल अपने रसोई में गंगाजल प्रयुक्त करता था? इसका आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 9, हरकी पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने किया था? इसका आंसर है अकबर का सेनापति मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 10, तैमूर लंग हरिद्वार कब आया था? इसका आंसर है 1398 में। क्वेश्चन नंबर 11, किनके काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था? इसका आंसर है गोरखा काल में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है हरिद्वार, 18,90,422 है। क्वेश्चन नंबर 13, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? इसका राइट आंसर है टॉम कारियट। क्वेश्चन नंबर 14, हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी यहाँ की डेंसिटी कितनी है? इसका आंसर है 801,801। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग कहां निवास करते हैं? इसका राइट आंसर है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 16, हरिद्वार में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? इसका आंसर है 11, जो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17, हरिद्वार में कुल कितने विकास खंड हैं? इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 18, हरिद्वार का कुल लिंगानुपात कितना है? यहाँ का सेक्स रेशो है 880:880।
क्वेश्चन नंबर 19, हरिद्वार में कौन सी नदियां गंगा में मिलती हैं? इसका आंसर है रतमाऊ व सोलानी नदी। क्वेश्चन नंबर 20, दत्तात्रेय ऋषि ने कहां पर तपस्या की थी? इसका आंसर है कुशावर्त घाट पर। क्वेश्चन नंबर 21, अबुल फजल की किस पुस्तक में हरिद्वार का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर है आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 22, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? इसका आंसर है हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऊपरी गंगा नहर, और इसका निर्माण कार्य 1842 से स्टार्ट हुआ था और 8 अप्रैल 1854 में यह बनकर तैयार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका आंसर है कर्नल पी काटले। क्वेश्चन नंबर 25, कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है महारानी अहिल्याबाई। क्वेश्चन नंबर 26, किसे गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है शांति कुंज को। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में सबसे अधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत माता का मंदिर हरिद्वार में कब बनी थी? इसका आंसर है 1983 में, और यह 180 फीट ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहां स्थित है? इसका आंसर है रानीपुर हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा सभा 1916 में हरिद्वार में किसके नेतृत्व में बनी थी? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहां स्थित है? इसका आंसर है हरिद्वार, और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। पौराणिक काल में शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कहां थी? इसका आंसर है कनखल। क्वेश्चन नंबर 33, हरिद्वार जिले का आकार कैसा है? इसका आंसर है बैठे हुए ऊंट के समान। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ की कंपनी कहां स्थित है? इसका आंसर है मंगलौर हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 35, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 1896 में। क्वेश्चन नंबर 36, किसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा गया है? इसका आंसर है हरिद्वार को। क्वेश्चन नंबर 37, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? इसका आंसर है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है जो हरिद्वार में लगता है? इसका आंसर है कुंभ मेला, और जिसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, रुड़की किस नदी के तट पर बसा है? इसका आंसर है सोलानी। क्वेश्चन नंबर 40,
एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर है 1847 में। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर रुड़की। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है रुड़की। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रुड़की। क्वेश्चन नंबर 44, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रुड़की। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी रुड़की है। क्वेश्चन नंबर 46, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? इसका आंसर है माया देवी को। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी हरिद्वार पहली बार कब आए थे? इसका आंसर है 1915 में। क्वेश्चन नंबर 48, दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 49, भीम घोड़ा कुंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हरिद्वार में। कहा जाता है कि यहाँ पे भीम के घोड़े को ठोकर लगी थी जिसके कारण इस कुंड का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, गंगा किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? इसका आंसर है हरिद्वार। अगले वीडियो हमारे हरिद्वार की पार्ट 2 आएगी। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।